सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज ना सुबह के 9:30 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आज। तो आज मैं थोड़ा देर से भी उठी हूँ क्योंकि कल ना घास काटने को गई थी तो थक भी गई थी, और 2-4 दिनों के बाद गई थी घास काटने को ना, तभी अत्यंती ठीक ना, तब 2-4 दिनों के बाद गई घास काटने को तो थक गई थी। तो आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, और हरदीप उठ गया था मुझसे पहले, तो फिर ये उठ करके आया और मुझे बोला कि मम्मी तबीयत तो ठीक है? तो मैंने बोला हाँ तबीयत मेरी ठीक है, पर ऐसे ही थोड़ा देर से उठी आज, तो तब उठी हूँ। अभी खाना नहीं बनाया है तो खाना बनाने के लिए जाऊँगी अभी रसोई में। और मौसम भी आज साफ़ है, तो ऐसा ना आज बहुत दिनों के बाद देखने को मिला कि आज सुबह सुबह धूप लग गई, नहीं तो रोज़ रोज़ बारिश लगी हुई होती थी सुबह सुबह। तो 20 जुलाई हो गई है आज, और पूरी जुलाई महीना बारिश का ही निकल गया, लेकिन आज सुबह धूप देखने को मिल रही है तो बढ़िया लग रहा है। ऐसा मौसम बड़ा सुहावना सा लग रहा है आज का मौसम। तो चलिए अभी पहले तो चलते हैं रसोई में खाना बनाने को, क्योंकि खाना बनाने को मैं लेट भी हो गई हूँ और फिर भूख भी लग जाती है। सबसे पहले तो मुझे भूख लगती है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो वैसे खाने में आज मैं बनाऊँगी भटूरू, और बनाऊँगी साथ में प्याज की सब्ज़ी, और शीरा बनाऊँगी साथ साथ में। तो शीरा बनाना है मुझे गेहूँ का और गिलोय का मिक्स। और शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शीरा निकाल करके रख लिए है। तो ये तो है हमारा गेहूँ का शीरा, और ये पुराना है, नया नहीं है इस बार का। और यहाँ पे ये है गिलोय का शीरा। तो ये देखिए रोटी के जैसे दिख रहा है ना, दो रोटियाँ लग रही है, जैसे कि दो रोटियाँ रखी है। तो ये गिलोय के शीरे की है दो रोटियाँ मतलब। और ये मैंने थोड़ा सा ही लिया है गिलोय का शीरा, और ये जो गेहूँ का शीरा है ना ये मैंने ज़्यादा लिए है, और ये टूटा हुआ सा भी दिख रहा है। तो ये जो गेहूँ का शीरा होता है ना ये इस तरह से टूट जाता है, ये देखिए आसानी से टूट जाता है, ये देखिए इस तरह से टूट रहा है ये बढ़िया से। और ये जो गिलोय का शीरा होता है ना ये इतना मज़बूत होता है, ये देखिए इसकी जो रोटी बना करके रखी है ना इतनी आसानी से ये टूटती नहीं है, ये देखिए सख्त होती है ये तोड़ने में। तो इसको मैं पहले तो क्या करूँगी कि भीगने को डालूँगी इसको पानी में, और साथ में भटूरू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा भी गूंथ करके रख लिया है, और ये सीजने के लिए रखा था ये आटा मैंने, तो इसमें मैंने ईस्ट डाला है ना, ईस्ट डाल करके गूंथा था इसको, और गुनगुने पानी से गूंथा है तो ये अच्छे से सीज गए हैं, मतलब अच्छे से फूल गया है ये। और यहाँ पे प्याज भी लेके आ गई हूँ मैं, तो बड़ा बड़ा प्याज लाई हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए, तो बड़ा प्याज ना काटने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले तो मैं ये शीरा ना भीगने को डालूंगी, फिर जितने को हमारा शीरा भीगेगा ना उतने को मैंने यहाँ पे जो आटा गूंथ करके रखा है इसके मतलब भटूरू बना करके रख लूंगी। तो ये शीरा मैं यहाँ पे इस बर्तन में डाल रही हूँ, दोनों इकट्ठा डाल दिया है गेहूँ का भी और गिलोय का भी, और साथ में इसमें पानी डाल रही हूँ अब मैं, और इसको ना 5 मिनट तक मैं रहने लूंगी ऐसे, मतलब इसको भीगने के लिए छोड़ रही हूँ मैं। है अभी मैंने यहाँ पे, तो जितने को यहाँ पे हमारी रोटियों को रेस्ट मिलेगा उतने को मैं प्याज काट लूँगी सब्जी बनाने के लिए, और रोटियाँ फिर मैं चूल्हे पे सेकूँगी तवे पे, और थोड़ी देर रेस्ट चाहिए इनको भी। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट करके रख लिया है, और हालत ना ख़राब हो जाती है प्याज काटते काटते, आँखों में लगता है तो इतना ज़्यादा काटना होता है तब तो लगता है। और मैंने ना बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तो 4 प्याज काटे हैं मैंने बड़े साइज़ के, और उनसे ना हमारी ये थाली फुल हो गई है ये देखिए। तो अब मैं पहले ना ये काटा हुआ प्याज है इसको तड़का लगा लूँगी, तो सब्ज़ी बनाने के लिए 1 छौंकी लगता है सिर्फ इसको, फिर उसके बाद करूँगी रोटी और सिरे का। तो हमारी सब्ज़ी को तो यहाँ पर 6 छौंक लग गए हैं, और ये बन भी गई है। तो कढ़ाई को ढक्कन लगा करके इसको तो मैं गैस बंद करके छोड़ रही हूँ। तो सब्जी तो हमारी बन गई है, तो अभी ना साथ साथ में मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। तो चूल्हे पे मैंने तवा रखा है, और जो भटूरू बना करके रखे थे ना तो उनको इस तरह से एक एक करके तवे पे सेकना है पहले, फिर चूल्हे में अंगारों पर भी सेकना होता है, तब बनते हैं हमारे भटूरू बढ़िया परफेक्ट।
और इस बार ना लकड़ियाँ नहीं जल रही है हमारी, बड़ी मुश्किल होती है मुझे खाना बनाने को। वो लकड़ियाँ तो काफ़ी होती है हमारे वैसे ना, बाहर तो लकड़ियाँ हमारी सड़ रही है, पर बरसात में लकड़ियाँ ना उठा करके अंदर रखनी पड़ती है स्टोर करके, तो बारिश से पहले उठानी पड़ती है। तो हमने इस बार उठाई नहीं थी ज़रा भी लकड़ियाँ अभी, क्योंकि टाइम ही लगा। एक तो हमारे घर का काम चल रहा था कब से ना, दूसरी फिर बारिश शुरू हो गई जल्दी ही, बारिश ने उठाने को मौका ही नहीं दिया। तो अभी क्या होता है कि बाहर से लाते हैं गीली लकड़ियाँ, वो सूखी हुई है मतलब, पर बारिश से हुई है गीली, तो उनको लाते हैं फिर चूल्हे के पास, उनको थोड़ी देर ऐसे सूखने के लिए रख लेते हैं। जब आग जलाते हैं तो तब वो जब सूख जाती है तब जलती है, तब बनता है खाना, और लेट बनता है खाना इस तरह से। तो बड़ा मुश्किल होता है गीली लकड़ियों से खाना बनाना है तो, पर चलो अब क्या करें, बनाना भी है। वैसे गैस का इस्तेमाल भी करते हैं हम, पर लकड़ियाँ सड़ रही होती है ना, तो सोचते हैं कि चूल्हे में ज़्यादातर खाना बनाएं। तो ये देखिए हमारा भटूरू कितने अच्छे से सीख रहा है, इस तरह से बनते हैं भटूरू फूले फूले से। तो ये बढ़िया से सीख गया है, तो फिर ना अब इसको चूल्हे में डालूंगी मैं। तो ऐसे इसको अंगारों पे सेकना होता है, पर चूल्हे में मेरे तो अभी अंगारे हुए नहीं हैं, थोड़े थोड़े से हो गए हैं, तो इसको ऐसे सेक लूँगी और तवे पे दूसरा रख लूँगी। तो इस तरह से बनते हैं हमारे भटूरू। तो रोटियां भी हमारी बन गई है, तो यहाँ पे मैंने पूरी रोटियां सेक करके रख दी है। तो अब बनाऊंगी मैं सीरा। तो अब मैंने चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई, अब इसमें घी डालूंगी मैं, और सीरा जो है ना तो ये देसी घी में ही बनता है, और मैं तो ज़्यादातर देसी घी में ही बनाती हूँ जो कुछ भी मुझे खाने के लिए बनाना होता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में घी भी हमारा गर्म हो गया है, और यहाँ पे इस बर्तन में ये रहा हमारा वो सीरा, तो उसको भी मैंने अच्छे से मतलब घोल लिया है, इसका घोल बना लिया है। तो अब ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ये सीरा। और साथ में मैं चीनी भी डाल रही हूँ। तो अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाऊंगी। तो ये देखिए हमारा सीरा भी ना बनने ही वाला है। तो सीरे ने ना घी छोड़ दी है, ये देखिए, और घी ना सीरे में हमेशा ज़्यादा डलता है, तो तभी सीरा टेस्टी भी बनता है, और घी कम डालेंगे तो कढ़ाई पे लगता भी बहुत है। तो हमारा सीरा तो कम ही लग रहा है कढ़ाई में, ये देखिए कढ़ाई को छोड़ रहा है ये बढ़िया से। तो अभी मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर से नीचे उतार लिया है, हमारा सीरा ना अभी पूरी तरह से तैयार हो गया है, ये देखिए, और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी, खिला खिला सा, ये देखिए। और यहाँ पे ये रही हमारी प्याज की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी हमारी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, ये देखिए। और ये रहे यहाँ पे हमारे भटूरू। तो अब हम खाएंगे खाना, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने को। तो अभी खाना वगैरह खा लिया हमने, और 12:08 हो गए, तो अभी बाहर निकली ना तो मौसम भी ख़राब हो गया है, और बारिश की बूंदें भी गिरने लग गई है। तो थोड़ी देर पहले भी गिरने लग गई थी, पर तब तो रुक गई, लेकिन अभी फिर से हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया रसोई में। एक तो लेट गई थी सुबह भी खाना बनाने को ना, 9:30 गई थी खाना बनाने को, तो खाना बना करके खा करके बाहर निकली तो इतना टाइम हो गया, तो बहुत टाइम लग जाता है सच में रसोई में। एक तो लकड़ियाँ नहीं जलती आजकल ना, तब थोड़ा लेट होते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को ये सीरा दिखाया बना करके, गिलोय का और गेहूँ का मिक्स, तो कौन कौन बनाता है इस तरह का ये सीरा। और अभी ना बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही थी इस बार, नहीं तो मैंने ना आप लोगों को ये जो मैं सीरा दिखाती हूँ गिलोय का, तो इसको मतलब निकालते कैसे हैं गिलोय से, तो वो दिखाना था मैंने वीडियो में, पर उसके लिए चाहिए था मौसम साफ बढ़िया, धूप चाहिए थी, मतलब कम से कम 8-10 दिनों की धूप तो चाहिए थी लगातार। तो इस बार ऐसे धूप हुई नहीं तो तब मैंने दिखाया नहीं आपको, नहीं तो अगर ऐसे धूप होती तो मैंने दिखाना था आपको कि हम सीरा कैसे निकालते हैं गिलोय से। तो चलो अगर ज़िंदगी सही सलामत रही ना तो फिर कभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि हम सीरा कैसे निकालते हैं गिलोय से। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।